बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडिंग की थी एलिजाबेथ एन एज की, और हमने डिस्कस किया था एलिजाबेथ एन एज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एलिजाबेथ एन ड्रामा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था एलिजाबेथ एन राइटर्स को, उसकी उनके राइटिंग स्टाइल को, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था पोइट्री, पोइट्री के इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पॉइंट्स थे, उनको डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया पोइट्री के जो राइटर्स थे और उनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को। उसके बाद डिस्कस किया गया प्रोज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, और प्रोज राइटर्स को और उनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को। तो अगर आपने ये तमाम वीडियोज नहीं देखे तो आप इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक नोट की जो प्ले लिस्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें मौजूद वह तमाम वीडियोज आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे द न्यू एज, और वो एज है द प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज जो कि स्टार्ट होती है 1600 से और इसकी एंडिंग होती है 1660 पे। लेकिन इससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो प्यूरिटन्स हैं वो कौन थे और प्यूरिटनिज्म है वो क्या कहलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्यूरिटन कौन थे। हु वर द प्यूरिटन्स? द प्यूरिटन्स वर मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नोन एज प्यूरिटनिज्म दैट अरोज विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन द लेट 16th सेंचुरी, एंड दे बिलीव दैट द चर्च ऑफ इंग्लैंड वाज टू सिमिलर टू द रोमन कैथोलिक चर्च एंड रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स दैट वर नॉट अ पार्ट ऑफ द बाइबल शुड बी इलिमिनेटेड एज दोज वर नॉट रूटेड इन द बाइबल। प्यूरिटन्स दरअसल कौन थे? ये थे प्रोटेस्टेंट्स, और इनको प्यूरिटन्स इस वजह से कहा गया नफरत के बिना पर, यानी कि ये एक हेटर्ड का वर्ड है जो कि कहा गया प्रोटेस्टेंट्स को नाम दिया गया, और ये नाम दिया गया क्वीन एलिजाबेथ जब दौर हुकूमत में आए तो तब उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को प्यूरिटन्स का नाम दिया। अब प्यूरिटन्स क्या थे या इनका मकसद क्या था? ये वो लोग थे जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिफॉर्म करना चाहते थे, और इनका बेसिक मोटिव भी यही था कि टू इलिमिनेट ऑल दीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिलीजियस रिचुअल्स दैट वर नॉट अ पार्ट ऑफ द बाइबल, एंड ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट वर नॉट रूटेड इन द बाइबल मस्ट बी इलिमिनेटेड। यानी कि वो तमाम मजहबी रसूमात और तकरीबात और रसूम रिवाज जिनका बाइबल में जिक्र नहीं था उन्हें खत्म कर दिया जाए, और इनका यही मकसद था कि ये चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिफॉर्म करना चाहते थे, प्यूरिफाई करना चाहते थे, इस वजह से फिर इनको प्यूरिटन कहा गया या प्रोटेस्टेंट कहा गया। और इनका क्या क्या बिलीव था? दे बिलीव दैट प्लेयर इज सिन एंड सिन इज प्लेयर। तो उसके बाद इनका यहाँ से स्टार्ट होता है प्यूरिटन स्कूल ऑफ थॉट, द स्टार्ट ऑफ प्यूरिटन स्कूल ऑफ थॉट। द प्यूरिटन स्कूल ऑफ थॉट वॉज स्टार्टेड इन 1543 व्हेन किंग हेनरी द एट एस्टेब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जब किंग हेनरी दी एट ने 1543 में चर्च और कैथोलिक चर्च को चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग किया, तो तब से प्रोटेस्टेंट फिरका जो है वजूद में आता है। अब जब किंग हेनरी दी एट ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को चर्च कैथोलिक चर्च से अलग किया, तो प्रोटेस्टेंट थे वो क्या चाहते थे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्यूरिफाई किया जाए, जो प्रैक्टिसेस कैथोलिक चर्च में होते थे या जो ब्लंडर्स या बेईमानियां वहां पे होती थी वो जहाँ पे ना हो, जहाँ पे जो जो हिदायत उसमें बाइबल में दी गई हैं वो सारी की सारी वो परफॉर्म की जाए, इसके अलावा जो प्रैक्टिसेस है वो सारी की सारी खत्म कर दी जाए। और ये लोग क्या थे कि ये चर्च के गसबाना रवैये के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि मतलब जितनी आजादी एक फर्द को देता है चर्च उस आजादी को खत्म ना करे, बल्कि ये फर्द को इतनी आजादी दे जो कि एक मजहब किसको देता है, एक इंसान को देखता है। इसके साथ साथ इनका फिर जो ऑब्जेक्टिव थे, दे हैड टू ऑब्जेक्टिव, इनके दो ऑब्जेक्टिव थे, एक था पर्सनल राइटियसनेस और सेकंड था सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी। इन अदर वर्ड्स इट एम्ड एट मेकिंग मैन ऑनेस्ट एंड फ्री। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट फेज ऑफ प्यूरिटन्स, द काज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म एडवांस्ड अंडर एडवर्ड सिक्स। जो एडवर्ड सिक्स थे ये बेटे थे हेनरी दी एट के, और ये जब दौर हुकूमत में आए इनकी इनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है या 1537 को पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 1553 में। और जब ये दौर हुकूमत में आए तो इनकी उम्र उस टाइम क्या थी? जस्ट 9 साल थी। और इनके और
इनकी जो तरबियत की गई वो एज अ प्रोटेस्टेंट की गई, लेकिन चूंकि ये कम उम्र थे इस वजह से जो इनका जो हुकूमत है वो कौन से संभाल रहा था, इनके वुजरा जो हैं वो संभाल रहे थे जब तक ये मैच्योर नहीं हुए। उसके बाद आ जाते हैं क्वीन मैरी, जिनका दौरे को स्टार्ट होता है या टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1553 से और एंडिंग होती है 1558 में। ये थी एडवर्ड सिक्स की बहन। आफ्टर एडवर्ड सिक्स व्हेन क्वीन मैरीज रेन इन 1553 टू 1558 शी टुक अ स्टेप एंड रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिक चर्च विद चर्च ऑफ इंग्लैंड। अब जो क्वीन मैरी है ये जब दौरे हुकूमत में आई जाए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही ये काम किया कि रोमन जो कैथोलिक चर्च है इसको चर्च ऑफ इंग्लैंड से मिला दिया दोबारा से, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो प्रोटेस्टेंट थे उनको या तो कत्ल कर दिया या फिर उन्होंने इनको जिला वतन कर दिया। उसके बाद जिस स्टार्ट होता है प्यूरिटन्स का सेकेंड फेज ऑफ प्यूरिटन्स, द सेकेंड फेज ऑफ प्यूरिटन्स स्टार्टेड राइट आफ्टर दे रीच जेनेवा, एंड आफ्टर रीचिंग जेनेवा दे मेट जॉन कैल्विन अ प्रीस्ट एंड स्टेट्समैन। कि जब वो वहां से जिला वतन हुए तो वो जेनवा गए, और जेनवा जब वहां पे पहुंचे तो उनकी मुलाकात किससे हुई, जॉन केल्विन से हुई जो कि एक प्रीस्ट थे और एक स्टेट्समैन थे। एंड हिज चर्च मेट द आइडियल्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स एंड इट गिव देम अ न्यू होप फॉर बेटरमेंट। कि ये जो जॉन केल्विन थे ये एक पादरी थे और स्टेट्समैन थे, और इस जब वो जेनवा जो प्रोटेस्टेंट थे वो जेनवा पहुंचे तो उनकी मुलाकात जॉन केल्विन से हुई, और उनका जो चर्च था जॉन केल्विन का चर्च था वो उनके प्रोटेस्टेंट के उन तमाम आइडियल्स पे और पूरा उतरता था जो उनके अपने जहन में था। तो यहाँ पे आकर उनको एक नई उम्मीद मिली बेटरमेंट की। इस वजह से प्यूरिटन्स को क्या कहा जाता है, प्यूरिटन्स आल्सो कॉल्ड द सन्स ऑफ केल्विन्स। अब इस थोड़ा सा जॉन केल्विन्स के बारे में जान लेते हैं कि जॉन केल्विन कौन थे। जॉन केल्विन जो कि पैदा हुए 10 जुलाई 1509 में और डेथ हुई उनके 27 मई 1564 में, वाज अ फ्रेंच थियोलॉजियन एंड पेस्टर एंड रिफॉर्मर इन जेनवा एंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एंड ही वाज अ प्रिंसिपल फिगर इन द डिवेलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी एंड लेटर कॉल्ड केल्विनिज्म। जो कि उनका डॉक्ट्राइन था वो क्या कहलाया है, केल्विनिज्म कहलाया। एंड ही वाज अ पर्सन हु वेरी फेमसली गेव द आइडिया ऑफ अ प्री डेस्टिनेशन, और उन्होंने किस चीज का आइडिया दिया, प्री डेस्टिनेशन का आइडिया दिया। अब मीनिंग है प्री डेस्टिनेशन का, द मीनिंग ऑफ प्री डेस्टिनेशन इज के इंसान जो कुछ करता है या जो कुछ आगे करेगा वो सारा का सारा उसके मुकद्दर में पहले से मुतय्यन कर दिया गया है या उसके मुकद्दर में पहले से लिखा हुआ है कि इंसान ये कुछ करेगा, तो ये आइडिया दिया जॉन केल्विन ने। उसके बाद क्या हुआ कि ही डिक्लेयर्ड बाइबल्स एज आल्सो एज सोल मीन्स टू सेल्वेशन। उसके बाद है कि ही पब्लिश हिज ट्रीटाइज इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजियस। जॉन केल्विन के टीचिंग्स क्या है, जॉन केल्विन के टीचिंग है एन इलेक्ट नेशन चूजन बाय गॉड टू कंप्लीट द वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन। के इंग्लिश नेशन जो है एक चूजन नेशन है और इसको गॉड ने चूज किया किसके लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, मजहब को सुधारने के लिए और चर्च को सुधारने के लिए। और दूसरा जो उन्होंने जो दूसरी जो चीज शामिल होगी प्रोटेस्टेंट के साथ इसके साथ साथ वो क्या थी कि कोवनेंट, यानी कि खुदा के साथ अहद उन्होंने किया। क्या अहद किया कि वो मजहब को इस तरह से लागू करेंगे जिस तरह ने खुदा ने क्राइस्ट को कहा था लागू करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आगे स्टार्ट होता है थर्ड फेज ऑफ प्यूरिटन्स 1558 टू एलिजबेथन एक्सेशन के 1558 में, जब जो एलिजबेथन जो है वो उनके एक्सेशन किया गया या वो हुकूमत में आए। थ्रू दिस पीरियड प्यूरिटन्स डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, और इस दौरे हुकूमत में प्यूरिटन्स जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, एक कहलाया प्यूरिटन्स और सेकेंड कहलाया सेपरेटिस्ट। इन दोनों का दो ग्रुप्स में तकसीम होने का मकसद ये था या इस बना पर ये तकसीम हुए क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिजिड थे और नैरो माइंडेड हो गए थे। ये क्या कहते थे कि जो इनका जो ड्रेसिंग ड्रेस ऑफ स्टाइल है ये हुकूमत का जो पॉप है या पादरी है उनका सेम होना चाहिए, और इस बना पर इनकी क्या हुई ये इस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, एक कहलाया प्यूरिटन्स और सेकेंड कहलाया सेपरेटिस्ट। अब जो सेपरेटिस्ट थे वो क्या कहना चाहते थे, वो
उन्हें चाहते थे, उनका मोटो यह था कि दे आर मोटो रिफॉर्मेशन विदाउट टेयरिंग फॉर एनी, कि किसी को तंग किए बगैर हम अपना काम करें और अपने जो है रूल्स हैं उनको फॉलो करें या फॉलो करवाएं। उसके बाद आगे जाता है फोर्थ फेज, गवर्नमेंट रेप्रेशन। एंड इन द फोर्थ फेज प्यूरिटन स्टार्टेड प्रीचिंग द मिडिल एंड लोअर क्लासेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पंफलेट्स रिलेटेड टू देयर आइडियोलॉजी। अब चूंकि किसी भी जो दौर हुकूमत है या जो भी आए हुकूमत में उनसे उनको उनकी बात नहीं सुनेगी, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट थे या प्यूरिटन्स थे उन्होंने जो मिडिल या लोअर क्लास है उनको अपनी जो आइडियोलॉजी है या आइडिया है उसके बारे में इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया और उन्होंने जो पंपलेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टेंट्स ने इनको जो जो मिडिल या लोअर क्लास है उनको अपना हमनवा बनाया, तब तो फिर उनकी जो है आने वाले में उनके सुनी जाने लगी और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी इनकी बात सुनने और समझने लगे और उन्होंने ये कहा कि ये जो कहते हैं ये ठीक कहते हैं, ये जो चार्ज है उसको रिफॉर्म किया जाए और उसे जो प्रैक्टिस हैं जो है जो नहीं होनी चाहिए, जो कि क्राइस्ट ने भी नहीं की, वो सारी की सारी ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके बाद आगे स्टार्ट होता है फिफ्थ फेज 1603 में, जेम्स वन एज न्यू किंग। जब जेम्स वन जो है किंग बने, हिज स्लोगन वाज नो बिशप एंड नो किंग। उनका स्लोगन क्या था, नो बिशप और न्यू नो किंग। जबकि प्यूरिटन्स को जेम्स पास से क्या उम्मीद थी, उन्हें ये उम्मीद थी कि जी इनको कि जी इनके जो आइडियाज हैं जो आइडियोलॉजी है उसको कबूल करेंगे, लेकिन जेम्स वन जब हुकूमत में आया तो उन्होंने जो स्लोगन बनाया वो क्या था कि नो बिशप नो किंग, कि अगर बिशप ना रहा तो किंग भी नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं 1625 में चार्ल्स फर्स्ट। इस दौरान क्या हुआ कि सिविल वार शुरू हुई, किसके दौरान, पार्लियामेंट के दरमियान और चार्ल्स फर्स्ट के दरमियान, जिसका टाइम पीरियड है 1642 टू 1649 में। उसके बाद है जिस सिविल वार जो दो ग्रुप्स के दरमियान हुई वो कौन से थे, रॉयलिस्ट्स थे और सेकंड थे राउंड हेड्स। अब जो रॉयलिस्ट थे वो कौन से, फॉलोअर्स ऑफ मोनार्की एंड आल्सो कॉल्ड कैवेलियर्स, के उनको क्या कहा जाता है, रॉयलिस्ट्स कहा जाता है और कैवेलियर्स भी कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप था वो कौन था, राइट राउंड हेड्स या सपोर्टर्स ऑफ प्यूरिटन्स। अब ये जो राउंड हेड्स है इनका क्या था मकसद, द पीपल हु वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मोनार्किक सिस्टम एंड एस्टेब्लिश आर डेमोक्रेसी, कि ये कहना चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए और जो बादशाही निज़ाम है उसको ख़त्म किया जाए। उसके साथ एक क्या हुई कि एक मॉडल आर्मी बनाई गई जिसने जो रॉयलिस्ट्स हैं उसको शिकस्त दी, और मॉडल आर्मी भी यही कहलाती है जिसमें राउंड हेड्स थे। और साथ ही साथ एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि क्या थी, वेस्टमिंस्टर असेंबली जिसको कहा गया, जिसका मकसद ये था कि वो जो प्यूरिटन्स हैं उनके मुतालबात को सुना और समझा जाए और एक बेहतर फैसला दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि ये कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती, जो मॉडल आर्मी है उसने महसूस किया ये ना हो कि ये जो वेस्ट मिनिस्टर असेंबली है किसी सेटलमेंट पर पहुंच जाए, इससे पहले उन्होंने क्या किया, हुकूमत पर कब्जा जमा लिया, क्योंकि ये आर्मी चाहती थी कि जो ओलिवर क्रॉमवेल हैं उसको आगे लाया जाए और जो हेड उसको है उसी को हेड बनाया जाए। अब इसको क्या हुआ कि इसके सिविल वार में डिफीट हुई किसको, चार्ल्स फर्स्ट को, और फिर उसको क्या गया, चार्ल्स फर्स्ट वाज डिफीटेड एंड बीहेडेड इन 1649 के, उसको कत्ल कर दिया गया 1649 में। अब जिसने कत्ल किया, रिचर्ड ब्रंटन ने इसको कत्ल किया, किसके कहने पर, ओलिवर क्रॉमवेल के कहने पर। एंड और इसी दौरान क्या हुआ, द प्यूरिटन्स बैंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस इन 1642 एंड आल्सो बैंड वोमेन एंड वाइन। ये एक तो उन्होंने जो थिएटर्स थे उनको बंद करवा दिया और 1649 में, और साथ ही साथ उन्होंने किसको बैन करवाया, वोमेन एंड वाइन को। जो वोमेन है उनके बारे में क्या ख्याल था, वोमेन के बारे में उनका ख्याल था कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमोर्टैलिटी इमोरैलिटी, यानी कि, और ये किसमें लिखा गया, स्कूल ऑफ अब्यूज में, कि ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट है किसकी, इमोरैलिटी की। तो इस वजह से इनको भी बैन कर दिया और साथ साथ माइंड को, और उसके बाद थिएट्रिकल जो परफॉर्मेंसेस थी उनको भी बैन कर दिया गया।
उसके बाद स्टार्ट होता है सिक्स एंड लास्ट फेज प्यूरिटन्स के स्ट्रगल का. आफ्टर द कॉमनवेल्थ रेंड, जब कॉमनवेल्थ बनी 1649 टू 1660 में, कॉमनवेल्थ वाज आल्सो कॉल्ड आयरन गवर्नमेंट एंड प्यूरिटन इंटेग्रिनम. कि इसको कॉमनवेल्थ जो है इसको क्या कहा जाता है, आयरन गवर्नमेंट भी कहा जाता है और प्यूरिटन इंटेग्रिनम भी कहा जाता है. अब इंटेग्रिनम का क्या मीनिंग है कि एक भाषा से लेकर के दूसरी भाषा के, दूसरे भाषा के आने तक का जो ड्यूरेशन है, उसके दरमियान का जो ड्यूरेशन है उसको हम क्या कहा जाता है, कहते हैं इंटरेग्नम. अब क्या है कि ओलिवर क्रॉमवेल वाज लीडर एंड द सपोर्टर ऑफ प्यूरिटन्स. कि ये क्या था, लीडर था और सपोर्टर था प्यूरिटन्स का, और साथ ही साथ ये लीडर था कॉमनवेल्थ जो थी वहाँ उसका लीडर था. अब कॉमनवेल्थ सपोर्टेड प्यूरिटन्स, बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन क्रॉमवेल डाइड इन 1658 एंड हिज डेथ प्रूव टू बी अ डिक्लाइन फॉर द प्यूरिटन्स. के जब क्रॉमवेल की डेथ हुई 1658 में, तब जो प्यूरिटन्स हैं उनका डिक्लाइन, उनके लिए ये उसकी डेथ डिक्लाइन साबित हुई. अब जब ओलिवर क्रॉमवेल है उसकी डेथ हुई, तो उसका बेटा जो है रिचर्ड क्रॉमवेल वो हुकूमत में आया, तो लोगों ने क्या कहा कि व्हाट इज हैपनिंग, कि ये क्या हुआ कि जिस तरह से बादशाह जो थे, बादशाह के बाद उसका बेटा जो है वो हुकूमत में आता था, इस तरह यहाँ पे भी यही है, ये वही हो रहा है कि बादशाह जो, जिस तरह से बादशाह करते थे कि ओलिवर जो क्रॉमवेल है उसकी डेथ के बाद जो उसका बेटा जो है वो हुकूमत में आ गया. और सेकंड इसकी वजह ये भी थी कि जो प्यूरिटन थे वो क्या थे, रिजिड थे, नैरो माइंडेड थे, और इस वजह से जो अवाम थी वो उनको, और उसूल के बमन थे, तो जो अवाम जो थी वो इनको पसंद नहीं करती थी, और इस वजह से वो भी चाहते थे कि इनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाए और दोबारा से जो है बादशाह जो है बादशाहत है वो दोबारा से लाई जाए. इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स सेकेंड है उसको दोबारा से उन्होंने फ्रांस से यहाँ बुलवाया और दोबारा उसको सपोर्ट किया. उसके बाद क्या है कि प्यूरिटन्स, और तब क्या हुआ कि प्यूरिटन्स ने भी उसको सपोर्ट किया. प्यूरिटन्स सपोर्टेड रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड 1689, कि उसने जो प्यूरिटन्स है उन्होंने भी इसको, चार्ल्स सेकेंड है उसको भी सपोर्ट किया, और वो क्या चाहते थे कि जो उनका आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया जाए या माना जाए. लेकिन जब जो चार्ल्स सेकेंड है वो आया, तो उसने क्या क्या बनाया, टॉलरेशन एक्ट बनाया, जिसका मकसद ये था कि इस टॉलरेशन एक्ट का मकसद क्या था कि आप अपने फिरके की भी तबलीग करें, लेकिन इसके साथ आपके जो मुखालिफ फिरके हैं, डिसेंटिंग ग्रुप्स, उनको भी बर्दाश्त करें. तो इस तरह से क्या हुआ कि जो प्यूरिटनिज्म है उस तहरीक का जोर तोड़ गया, और आखिरकार ऐसा ऐसा ये क्या हुई, ये ख़त्म हो गई. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.